हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास एट्थ के लिए होगा और हम चैप्टर कर रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर नंबर फोर है ये DAV CMC के अकॉर्डिंग। अगर आप अपनी NCERT के अकॉर्डिंग जाओगे तो चैप्टर नंबर चेंज हुआ है पर सिलेबस आपका सेम है। तो आज का हमारा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। और एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर में जो हम पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पर 5 एप्लीकेशन लिख रखी हैं पर ये 5 से ज़्यादा भी हो सकती है बेटा, और भी आपके पास एप्लीकेशन हो सकते हैं। इसके पास आपके पास आ जाए एप्लीकेशन लिखी हुई, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। तो देखिए, प्रेशर का जो फॉर्मूला है, अगर हम प्रेशर का फॉर्मूला लिखें तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है P=F/A, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रेशर है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली कभी नहीं होता है कि जितना ज्यादा फोर्स इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि जितना ज्यादा आप एरिया इंक्रीज करोगे प्रेशर उतना डिक्रीज हो जाएगा। तो एरिया के साथ इनवर्सली है। तो आपने क्या करना, जहां पर प्रेशर ज्यादा करना है तो वहां पर हम एरिया कम कर देते हैं, और जहां पर हमें प्रेशर कम करना है वहां पर एरिया इंक्रीज कर देते हैं। तो ये जितनी भी एप्लीकेशन हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसमें सिर्फ एरिया का रोल होता है मोस्टली केसेस में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन से। बसेस एंड ट्रक्स यूजुअली हैव डबल व्हील। जो बस होती है या ट्रक होते हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं, उनके जो व्हील होते हैं डबल होते हैं बैक साइड वाले, क्योंकि डबल एरिया व्हील करने से क्या होता है, एरिया इंक्रीज हो जाता है, और एरिया इंक्रीज होने से क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो उस पर अर्थ पे क्या होगा, प्रेशर कम लगाते हैं वो। अब आप सोचिए, अगर हम इतने बड़े व्हील को एक पतला सा टायर लगा दें तो क्या हो सकता है, इतना ऊपर से वेट है उसके ऊपर लग रहा है, वो अर्थ के अंदर जा सकता है, अर्थ के अंदर सिंक हो सकता है। तो हमने क्या कर दिया, वहां पर एरिया बढ़ा दिया ताकि प्रेशर कम बने और वो अर्थ के अंदर ना धंसे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एरिया ज्यादा करने के लिए व्हील डबल कर देते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, आप हैवी व्हीकल देखो, उनके जो टायर होते हैं उनकी विड्थ भी ज्यादा होती है। तो विड्थ ज्यादा इसलिए होती है, सेम रीजन रहेगा। टैंक होते हैं आर्मी के, टैंक आपने देखे होंगे, उनके जो टायर्स होते हैं उसके ऊपर एक बेल्ट लगा दी जाती है। तो बेल्ट लगाने का लॉजिक भी है, बेल्ट लगाने से क्या हुआ, एरिया इंक्रीज हो गया। एरिया इंक्रीज होने से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होगा, वो जो सैंड है वहां पर डिजर्ट्स में चलते हैं टैंक, तो उसके अंदर नहीं धंसेगा वो, उसके अंदर सिंक नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, हाई राइज बिल्डिंग एंड डैम हैव ए वाइड बेस। आपने सुना होगा, अगर नींव अच्छी है, फाउंडेशन अच्छा है, तो आपकी बिल्डिंग अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर हम उसी का एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो जो आपकी हाई बिल्डिंग होती है या डैम होती है, उनकी जो बेस होता है उसकी विड्थ ज्यादा रखी जाती है, क्योंकि एरिया ज्यादा करने से क्या होता है, उसके ऊपर पूरा बिल्डिंग का प्रेशर आना है। तो पूरी बिल्डिंग का जब उसके ऊपर प्रेशर आएगा तो उससे क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाता है एरिया ज्यादा रखने से। तो ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन है। तीसरी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन लार्ज साइज वुडन आयरन स्लीपर्स। ये जो वर्ड है यहाँ पर स्लीपर्स, इसका समझा देता हूँ, होते क्या है ये। आप सोचिए, आपने रेलवे ट्रैक लगाना है कहीं पर, आप रेलवे ट्रैक लगा देते हो, इतना सा आप ऐसे छोड़ देते हो रेलवे ट्रैक लगा के। अब रेलवे ट्रैक की जो विड्थ होती है वो इतनी सी होती है, होगी 4 से 5 इंच या 6 इंच हो सकती है मैक्सिमम। तो आप ये 6 इंच और ये भी 6 इंच की दो आपने ऐसे रेलिंग बिछा दी, और उसके ऊपर जब ट्रेन आएगी, तो ट्रेन जब उसके ऊपर आती है तो ट्रेन के अंदर इतना वेट होता है कि वो क्या करेगी, उस रेलिंग को अर्थ के नीचे दबा देगी, इतना वेट होता है उसके अंदर। तो हमें क्या करना है, ऐसे तो हमारी ट्रेन चल नहीं पाएगी, उस इंजीनियर की पिटाई होगी जिसने उसको बनाया, उसको ढूंढते फिर सभी इंजीनियर कहाँ है, उस इंजीनियर पर पेश किया जाए। तो हमें इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना है, हम क्या करते हैं, इस रेलवे ट्रैक के नीचे आपने देखा होगा ऐसे वुडन के या आयरन के ब्लॉक लगे होते हैं जिसको हम स्लीपर बोलते हैं। इनका काम सोने का है, ये सोते रहेंगे नीचे, इन्हें और कुछ काम नहीं है ज्यादा, बट इन्हीं के ऊपर हमारी ट्रेन चलेगी। अब देखना कैसे क्या क्या काम होगा यहाँ पर। ये स्लीपर लगाने से क्या हुआ, अब ये जो देखो ट्रैक, अब ये पूरे ट्रैक पर लगेंगे, अब आपका ट्रैक पूरा ऐसे बन गई, पूरी बॉडी बन गई यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ट्रैक पूरे कंबाइंड हो गया, पूरी एक बॉडी बन गई, और अब इसका क्या हुआ, ये एरिया इंक्रीज हो गया। तो एरिया इंक्रीज होने से क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और आपकी जो ट्रेन है वो उसके ऊपर स्मूथली चलेगी। अदरवाइज क्या होगा, आपका ट्रेन जो ट्रैक है वो अर्थ के अंदर चला जाएगा, इतना वेट होने की वजह से ट्रेन के अंदर। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, स्लीपर्स का, और इसको स्लीपर बोलते हैं जो नीचे आप देखते हो ट्रैक के नीचे वुडन के लगे होते हैं, आयरन के लगे होते हैं, कंक्रीट के भी होते हैं कई जगह पर। उसके बाद फोर्थ एप्लीकेशन में आते हैं, इट इज इजी टू कट विद ए शार्प नाइफ एज कम्पेयर टू या रादर देन विद ए ब्लंट नाइफ। तो देखिए, शार्प नाइफ और ब्लंट नाइफ में क्या डिफरेंस होता है। शार्प नाइफ होता है जो आगे से बिल्कुल शार्प तीखा है, ठीक है ना,
हम उसको क्या होता है शार्प नाइफ के अंदर उसका जो आगे का एज है उसका एरिया कम है बिल्कुल। ब्लंट नाइफ में क्या होता है उसका जो एरिया हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। तो आप जब एरिया कम होता है तो शार्प नाइफ से प्रेशर थोड़ा सा फोर्स लगाने से प्रेशर ज्यादा बनता है, तो इसलिए उससे क्या होता है इजिली अपने जो फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं वो कट कर लेते हैं। और ब्लंट नाइफ में क्या होता है एरिया ज्यादा हो जाता है तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है और आपके जो फ्रूट्स होते हैं वेजिटेबल्स होते हैं वो खराब ही हो जाते हैं कटते हुए। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं शार्प नाइफ का एज कम्पेयर टू ब्लंट नाइफ। अब उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, नेल्स या पिंस या स्पाइक्स हैव पॉइंटेड एंड सो दैट दे कैन बी ड्राइव इनटू द सरफेस विद मिनिमम एफर्ट। इसका मीनिंग क्या होता है आपकी जो पिन होती है या स्पाइक्स होती है आपने देखो अपने जो पेंच आते हैं कोई भी पिन आपके पास आई हुई है वो एक साइड से क्या होते हैं बिल्कुल शार्प होते हैं, पॉइंट होता है उसका बिल्कुल नुकीली, और एक साइड से क्या होता है जिस साइड से हम उसको ठोकते हैं या लगाते हैं वो थोड़ा सा एरिया उसका ज्यादा होता है। तो हम उस जिस साइड से एरिया ज्यादा उस साइड से नहीं लगा सकते उसको, आप जब नहीं कील है उसको उल्टी साइड से नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि वहां से एरिया ज्यादा और आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो हम उसको क्या करते हैं उस पॉइंट की तरफ से लगाते हैं जहां से वो शार्प है, और वो जो पॉइंट होता है बिल्कुल शार्प रखना होता है क्योंकि उसका एरिया कम होगा, तो जब आप उसको लगाओगे तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है कम हो जाता है, एरिया कम होने से उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा बनेगा वो इजीली उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाती है अंदर चली जाती है आसानी से। तो हमने क्या किया यहाँ पर सभी एप्लीकेशन में आपने एक पॉइंट नोट करना है, जब भी आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए देखो क्वेश्चन कैसे आता है पेपर के अंदर ऐसे लिखा मिलेगा आपको इट इज इजियर टू कट विद ए शार्प नाइफ देन विद ए ब्लंट नाइफ कोमा लगा के वाई आपसे आंसर पूछा वाई ऐसा क्यों हुआ, तो आपने क्या करना है इसका आंसर देते हुए पहले तो ये फॉर्मूला लिखना है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, आप ये फॉर्मूला लिखेंगे हाफ मार्क्स इस फॉर्मूले का ही है। उसके बाद आपने क्या करना है इसको डिफाइन करना है यहाँ पर क्या लिखेंगे शार्प नाइफ हैज लोअर एरिया, क्या लिखेंगे शार्प नाइफ हैज लोअर एरिया सो इट एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो सिंपल सी अपनी वर्डिंग रखनी है यहाँ पर कि शार्प नाइफ का क्या होगा एरिया कम होगा एज कम्पेयर टू ब्लंट नाइफ सो क्या होता है इसलिए आसानी से कट कर देता है, तो आपका आंसर पूरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वाले जो क्वेश्चन किया इसके अंदर क्या लिखना आपने बसेज एंड ट्रक यूजुअली हैव डबल व्हील, तो डबल व्हील होने से क्या हुआ अब फिर से फॉर्मूला लिखना आपने पी इक्वल टू एफ ए, एरिया बढ़ गया प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो आपने उसके अंदर क्या लिखना हैविंग डबल व्हील और वाइडर व्हील हैव मोर एरिया सो इट एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन रोड सो इट डज नॉट सिंक इन टू अर्थ, ये अर्थ के अंदर सिंक नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूँ, आप इसको सुन के लिख भी सकते हो अपनी नोटबुक में अगर आप लिखना चाहते हो, वैसे आपको बुक में सब कुछ मिलेगा जब आपके पास बुक आ जाएंगी तो आप उसमें से पढ़ सकते हो, आपके पास जो बुक है उसके अंदर देख लीजिए, आपके पास कोई भी पुरानी बुक पड़ी है उसके अंदर आप आसानी से देख सकते हो इनको। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में है, आपकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है स्कूल बैग होता है आपका, स्कूल बैग की जो आप स्ट्रिप देखते हो उनका एरिया क्या होता है ज्यादा होता है, एरिया ज्यादा क्यों रखा जाता है क्योंकि वो आपके शोल्डर पर जब एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगाएंगी आपको पेन नहीं होगा, अगर आप उस स्ट्रिप को पतला कर दोगे तो एरिया कम हो गया प्रेशर ज्यादा बनेगा आपके शोल्डर पर पेन होगा आप हर्ट करोगे और आपको परेशानी होगी, इसलिए हम क्या करते हैं एरिया ज्यादा रखते हैं। और भी आप सोच सकते हो आप अपने डेली लाइफ में आपको देखो आप घरों में जो होता है जब भी हम कोई सामान रखते हैं जैसे आप कूलर रख रहे हो अपना और कूलर का जो स्टैंड होता है उसके नीचे हम क्या करते हैं कोई ईंट वगैरह रख देते हैं उसकी जो लेग्स होते हैं चारों के नीचे स्टैंड के नीचे, क्यों, क्योंकि जो स्टैंड होता है उसकी जो विड्थ है वो कम है वो अर्थ के अंदर जा सकता है अगर आपकी अर्थ कच्ची है। उसके बाद क्या किया हमने उसके नीचे एक ईंट रख दी, ईंट रखने से क्या उसका एरिया बढ़ गया, अब एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम बनेगा वो पूरी पूरी ईंट अर्थ के अंदर नहीं जा सकती। ये आप डेली लाइफ में बहुत सारे अपने एप्लीकेशन देख सकते हो डेली लाइफ के अंदर बहुत आती है आपके पास, तो ये प्रेशर की एप्लीकेशन थी, इसमें से पेपर में क्वेश्चन पक्का आता है, आपने सिर्फ ये फॉर्मूला और इसका आंसर बनाना चाहिए, या तो एरिया कम होगा या एरिया ज्यादा होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम, बस ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा और आप इसके अंदर अपने जो मार्क्स होंगे वो ले लेंगे। उसका सेकंड टॉपिक करते हैं आज का जो नेक्स्ट टॉपिक अपना उसको स्टार्ट करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए अपनी नोटबुक में नोट करना चाहते हो। ओके बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक का जो नेम होगा आपका वो है लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर
ये जो लिक्विड प्रेशर होता है, थोड़ा सा आपका तो बेसिक है इसका आपके पास अपनी बुक में अंदर 8 क्लास के अंदर, तो इसका जो हाई लेवल आएगा आपके पास प्लस वन क्लास में आएगा अगर आप नॉन मेडिकल लेते हो तो, या मेडिकल लेते हो कभी आर्ट में जाके सोचो कि सर ने बोला था है तो है नहीं, तो वो कहाँ पर आएगा आपके पास नॉन मेडिकल या मेडिकल में प्लस वन के अंदर, इसका जो एप्लीकेशन अपने डेली लाइफ के अंदर वो सारी बहुत कुछ आएंगे वहाँ पर। तो लिक्विड प्रेशर की बात करते हैं, लिक्विड प्रेशर होता क्या है, देखिए आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास एक ही कंटेनर है और आपने क्या किया इसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया, इसके अंदर वॉटर है इस कंटेनर के अंदर, तो ये वॉटर क्या करता है इस कंटेनर की जो ये वॉल्स हैं चारों, ये वॉल्स के ऊपर मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ ये क्या है वॉटर है, यहाँ पर ये वॉटर क्या करेगा इस वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगा रहा है। अब आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पर नोट करने का, ये जो प्रेशर लगाता है इसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो कम नहीं होता है वॉटर, स्टैटिक कम नहीं होता है रेस्ट, और प्रेशर कम नहीं आपको मैंने बता दिया प्रेशर जो फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है यहाँ पर, तो इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं क्योंकि वॉटर ने लगा रहा है और स्टैटिक कम नहीं रेस्ट पे भी वॉटर है। तो देखिए ये वॉल्स है यहाँ पर, अब आपको क्या करना है इस पानी के अंदर जाना है, ये आप मान लीजिए आप समुद्र के अंदर या किसी रिवर के अंदर हो ओशन के अंदर हो और आप पानी के नीचे जाते जा रहे हो, तो जितना डेप्थ में जाते जाओगे आपके ऊपर पानी उतना ज्यादा आता जाएगा और आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा जो आपकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ बेटा, वैसे तो इसका फॉर्मूला हमारे पास प्लस वन में आता है, मैं एक बार थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ उस फॉर्मूले की क्या होती है, पी फॉर प्रेशर, एच हाइट डेप्थ के लिए, ये डी फॉर डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉटर की डेंसिटी, और जी फॉर ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फिक्स होती है 10 या 9.8 ले देते हैं हम इसको, तो ये फॉर्मूला है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पी किस पे डिपेंड करता है एच पे, क्योंकि डेंसिटी और ग्रेविटी फिक्स होते हैं मोस्टली केसेस में हम फिक्स कर लेते हैं, तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है हाइट पे या डेप्थ पे, तो जितना आप गहराई में जाते जाओगे उतना उसका आपके ऊपर उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो आपने क्या करना है, ये आपने लिक्विड भर रखा है इसका, मैं यहाँ पर तीन पॉइंट मार्क करता हूँ, एक पॉइंट ये वन ए लिख देते हैं इसको, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। अब आप मेरे को बता दीजिए प्रेशर मैक्सिमम कहाँ पर होगा, अगर हम प्रेशर की बात करें मैक्सिमम कहाँ पर होगा, आपने हाइट कहाँ से मेजरमेंट करनी होती है, हाइट कहाँ से देखनी है, हाइट देखनी है उसके फ्री सरफेस से ऊपर से ऐसे यहाँ से, तो किसकी हाइट ज्यादा है ए की, या डेप्थ बोल सकते हो आपकी लैंग्वेज में, दूसरे नंबर पर कौन आएगा बी, तीसरे पर कौन आएगा सी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, प्रेशर एट पॉइंट ए इज ग्रेटर प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर प्रेशर एट पॉइंट सी, तो प्रेशर ए का सबसे ज्यादा होगा, बी का उससे कम, सी का उससे कम। तो ये समझ में आया आपको कि जो प्रेशर है वो हाइट के साथ वेरी करता है, जितनी ज्यादा आप हाइट में जाते जाओगे उतना कम प्रेशर होता जाएगा। अब इसका पेपर में क्वेश्चन क्या आता है वो सीखिए, देखिए यहाँ पर तीन पॉइंट आपको दे दिए मैंने ए बी सी, एक फोर्थ पॉइंट और लगा मिलेगा आपको यहाँ पर डी, जो बिल्कुल सेम हाइट पर होगा जितना ए है, बिल्कुल सेम हाइट पर होगा जितना क्या है ए की हाइट है। अब आपसे बोल दिया कि ये होल कर दिए यहां से, ठीक है यहां से होल कर देते हैं हम, ये पानी जो यहां से निकलेगा बाहर वोटर जो बाहर आएगा यहां से, यहां का जो वोटर होगा वो ऐसे जाएगा बिल्कुल दूर ऐसे गिरेगा यहां पर, ठीक है बेटा समझ में आ गया सभी को, दूर गिरता जाके यहां से, यहां का जो वोटर होगा वो ऐसे गिरेगा पास में गिर जाएगा थोड़ा सा, और सी पॉइंट का जो वोटर होगा वो बिल्कुल पास गिरेगा। ऐसा क्यों हुआ, अगर हम ऐसा क्यों हुआ ये सोचे तो आपको मैंने आंसर दे दिया पहले ही, क्योंकि ए पॉइंट का प्रेशर सबसे ज्यादा है इसलिए यहां से प्रेशर से पानी बाहर आया और दूर जाके गिरा, बी पॉइंट का प्रेशर थोड़ा कम है इसलिए वो थोड़ा पास गिर गया, सी पॉइंट का प्रेशर थोड़ा और कम है इसलिए वो और पास गिर गया। तो ये प्रेशर है सी पॉइंट का, ये प्रेशर है बी पॉइंट का, और ये प्रेशर है ए पॉइंट का, तो किसका ज्यादा हुआ ए का। तो आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि अगर यहां से हम थ्री होल कर दें तो कौन सा पॉइंट ज्यादा, कौन सा वोटर कहां से ज्यादा दूर जाएगा या किसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो आपने लिख देना है पी ए ग्रेटर है पी बी पी सी। अगर डी की बात आए तो डी का प्रेशर क्या है पी ए के इक्वल है, तो कैसे बनाएंगे इसको, ऐसे लिखेंगे पी डी इक्वल होगा पी ए के इक्वल है, बट पी ए ग्रेटर है पी बी से और पी बी ग्रेटर है पी सी से, तो ये आपका लिक्विड प्रेशर हो जाएगा और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपके पास एक पूरा डायग्राम बना हुआ आएगा, वो आपसे प्रेशर पूछे किस पॉइंट पर कितना प्रेशर है, कितना किसका ज्यादा प्रेशर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, वो आपसे पूछा जा सकता है ऊपर में, ठीक है बेटा। तो आपके पास ये क्वेश्चन आपका रेडी है, लिक्विड प्रेशर का क्वेश्चन है ये, आप आसानी से समझ सकते हो इसको, कर सकते हो।
उसके बाद हम बात करते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर की, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है एटमोस्फेरिक प्रेशर, वो क्या होता है उसके बारे में बता देता हूं आपको मैं। इसको आप नोट कर लीजिए जब तक मैं हेडिंग बनाता हूं। एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं, लिखते हैं इसको। देखो नाम से क्लियर हो रहा है एटमोस्फियर, उसके बाद क्या लिखा हो प्रेशर, तो इसका मीनिंग जो प्रेशर एटमोस्फियर लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो एटमोस्फियर प्रेशर कैसे लगाता है उसकी बात करते हैं हम। अब देखिए आप अर्थ पे, हम सरफेस पे लाई कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पर, और हमारे ऊपर एयर है, उसके बाद जो एयर के अमाउंट ऊपर जाते जाते कम होती जाती है, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम एयर आपके सरफेस पर, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी मैक्सिमम है, जैसे आप हाइट पर जाओगे ग्रेविटी कम होती जाएगी, तो आपके ऊपर अपने जो एयर है वो आपके ऊपर है, आपके हेड से या आपके बॉडी पर वो प्रेशर कर रही है, यहाँ पर आपको एयर प्रेशर लगा रही है, तो इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो आपकी बॉडी पर लग रहा है। हर एक चीज पे लगता है, आपकी बॉडी पे लग रहा है, आपकी बिल्डिंग पे भी लग रहा है, ये आपके सड़क के ऊपर भी लगा हुआ, प्लांट्स के ऊपर, सभी के ऊपर लगा हुआ एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये हम अपनी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो डेली लाइफ के अंदर, तो आपने क्या करना है, एक बोतल लेनी है और उस बोतल के अंदर गर्म पानी डालना है। बोतल कैसी नहीं, प्लास्टिक की, जो थोड़ी सी लाइट प्लास्टिक होती है, जैसे अपनी वाटर वाली बोतल आती है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, जिसके अंदर बिस्लेरी वगैरह, एक्वालाइट, ये आपके पास जो भी वाटर आती है बिस्लेरी वगैरह, ये बोतल लीजिए आप और इसके अंदर क्या करो गर्म पानी डालिए। जैसे आप इसके अंदर गर्म पानी, इतना गर्म भी डालना है कि बोतल मेल्ट हो जाए, थोड़ा ऐसा इतना रखना है कि बोतल मेल्ट ना हो, और पूरा केयरफुली से डालना कि हाथ वगैरह जला लो, तो उसको जब बोतल के अंदर डालेंगे, तो डालने के बाद उसको हाफ मिनट उसके अंदर रखना है और उसको हिलाना है, और हिलाने के बाद उसको एकदम से खाली कर दो बोतल को, और खाली करने के बाद उसका जो कैप है वो टाइट कर दो खाली बोतल का, तो आप क्या नोटिस करोगे आपकी बोतल क्रश हो जाएगी। इसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ कैसे हो जाएगी वो क्रश, आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे हो जाएगी, अगर आप देख पा रहे हो इस वीडियो के अंदर, तो आपकी बोतल ऐसे क्रश हो जाएगी, लास्ट वाला डायग्राम देखिए बिल्कुल सिकुड़ जाएगी ऐसे। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों होता है, देखिए आपने जब उस बोतल के अंदर पानी डाला गर्म, तो पानी डालने से उसके अंदर जो एयर थी वो गर्म हुई, और गर्म होने से क्या होता है एयर बाहर आ जाती है, हल्की हो जाती है, तो उस बोतल से क्या होगी वो बाहर आ गई, क्योंकि उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल की, जब कोई थर्मल एनर्जी ले लेता तो उड़ जाता है, हल्का हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो वो बोतल से बाहर आ गया, तो एयर के बोतल के अंदर एयर नहीं बची, तो जैसे ही आपने उसकी कैप बंद की तो बाहर तो एयर थी, बाहर वाली एयर ने क्या किया उस बोतल के ऊपर प्रेशर लगा दिया और वो कैसे ऐसे क्रश कर दी बोतल, अपने आप जादू हो जाएगा। आप इसको अपने डेली लाइफ में कर घर पे करके देख सकते हो, बट केयरफुली ध्यान, किसी भी बड़े की प्रेजेंस में करना, आपने आपके घर में कोई भी आपके पेरेंट्स हो या कोई भी आपकी आपका ब्रदर या सिस्टर हो जो आपसे बड़े हो जो समझदार हो उनकी प्रेजेंस में आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। उसके बाद एटमोस्फेरिक प्रेशर का हमारे ऊपर और क्या इफेक्ट होता है, आपने देखा होगा जब हम माउंटेन्स या हिली एरिया में जाते हैं तो वहां पर हमें थोड़ा सा ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है या फिर नोज ब्लीडिंग भी हो जाती है, आपकी नाक से खून आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका बड़ा अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझा देता हूँ कैसे होता है। जब आप हिली एरिया में जाते हो, आप हिली एरिया में चले गए, वहां पर क्या होता है आपने जब हिली एरिया में गए वहां पर आपके ऊपर आपकी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो कम हो गया, एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, क्योंकि हाइट के साथ जो आपकी गैसेज है वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हाइट के साथ ग्रेविटी कम हो गई तो उन गैसेज को रोकने वाला कोई नहीं है, तो वो उड़ जाते हैं फ्री स्पेस में चले जाती हैं। तो जैसे जैसे आप हाइट के साथ ऊपर जाते हो तो आपके ऊपर ऑक्सीजन या और गैसेज का जो प्रेशर वो कम हो जाता है, बट आपकी बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो उतना ही रहता है। तो आप अंदर से जो अपना ब्रीथिंग वो एक्सहेल तो कर सकते हो, इनहेल नहीं कर पाते, क्योंकि इनहेल करने के लिए बाहर से प्रेशर होना चाहिए जो आपके अंदर आप एयर को वापस भेज दे। तो हमने क्या किया वहां पर एक्सहेल तो कर दिया, बाहर तो निकाल दिया उसको ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो बट हम जब अंदर ऑक्सीजन लेके जाना चाहते हैं ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, तो क्या हुआ आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी, और जिससे क्या होता है आपकी नोज से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और आप बेहोश हो जाओगे। हो सकता है अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले तो कुछ टाइम बाद वो डेथ भी हो सकती है आपकी,
इसलिए जब भी आप हिल एरिया में जाओ तो कुछ ऐसा आप ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह साथ में लेके जा सकते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो रही है तो आप टाइम टाइम पर पानी पीते रहे, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है डिजोल्व, पर वो अमाउंट कम होती है, फिर भी आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी उसके साथ, लिक्विड ज्यादा पिए। तो इससे क्या होता है, आपके पास ये भी प्रमुख क्वेश्चन आ जाता है कि माउंटेन्स और जो माउंटेनर होते हैं, पर्वत प्रोही बोलते हैं उनको हम, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन लेके चलते हैं, मास्क लगा के रखते हैं, आपने देखा होगा टीवी पे देखा होगा या किसी वीडियो में देखा होगा, तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हाई लेवल पे जाके एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, हमारी बॉडी का प्रेशर ज्यादा रहता है, इससे क्या होगा, हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है और जो आपकी नोज से ब्लीडिंग हो जाएगी, कुछ टाइम बाद आप अनकॉन्शियस बेहोश हो जाओगे और आफ्टर सम टाइम आपकी डेथ भी हो सकती है, इसलिए मैं वहां पर क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन लेके जानी पड़ती है। तो ये आपका पूरा बेटा चैप्टर था, बट आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हैं आपकी एक्सरसाइज के होते हैं, जो वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपने क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, देखते हुए आपके पास जो स्क्रीन के आप वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब में आपके पास सब्सक्राइब का बटन आएगा, सब्सक्राइब करिए इसको चैनल को और शेयर कीजिए दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो भी इसको वीडियो को देख पाएं और अपना जो है टाइम का यूज़ कर पाएं अच्छे से। ओके बेटा, थैंक यू।